सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में जमीनी विवाद को लेकर पिछले 8 महीने में 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र के सिराचन गांव के पास बीती रात्रि चाकू से वार कर एक अधेड़ की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अस्थावा थाना क्षेत्र के अस्थावा गांव निवासी स्वर्गीय चुरामन यादव का 50 वर्षीय पुत्र फोटो यादव उर्फ नेताजी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक का पुत्र राजकुमार यादव ने बताया कि गांव के ही कैलू यादव से उसके पिता का भूमि विवाद चल रहा था और इसी वजह से कैलू यादव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तेज धारदार हथियार से वार कर बीती रात्रि उसके पिता की हत्या कर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि इसी वर्ष मार्च महीने में कैलू यादव के इकलौते पुत्र मधु यादव की हत्या के आरोप में मृतक फोटो यादव का पुत्र शिव कुमार अभी तक जेल में बंद है। दरअसल 6 मार्च को कैलू यादव के पुत्र मधु यादव को फोटो यादव का पुत्र शिव कुमार उर्फ डमहा एवं गुड्डू तमोली घर से बुलाकर हत्या कर दिया था और सबको कुएं में फेंक दिया था, जिसके बाद सबको अस्थावा थाना की पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर 4 दिन बाद कुएं से बरामद किया था और घटना की वजह भूमि विवाद थी। घटना के संबंध में बिहार शरीफ सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी ने बताया कि पुरानी अदालत में घटना को अंजाम दिया गया है। पूर्व से दोनों के बीच भूमि विवाद चल रहा है। इस मामले में मृतक का बेटा अभी तक जेल में बंद है और हत्या का आरोप कैलू यादव पर लग रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक शेखपुरा बिहार शरीफ के निर्माणाधीन रेल खंड में स्टोर की रखवाली के तौर पर प्राइवेट गार्ड का काम करता था। तो बड़ी खबर नालंदा के अस्थावा से सामने आ रही है, जहां एक अधेड़ की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। दोस्तों लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।